बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अनसर्टेनिटीज़ के एमसीक्यूज़ करूंगा और एरर्स के। ये कहता है कि विच एक्सपेरिमेंटल टेक्निक रिड्यूसेस द सिस्टमेटिक एरर ऑफ द क्वांटिटी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करेगी। एडजस्टिंग एन एमिटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर बिफोर मेयरिंग अ करंट। करंट मेयर करने से पहले आप यानी जीरो एरर को रिमूव करें एमिटर से। बिल्कुल यही है सिस्टमेटिक एरर और यही आंसर है। दूसरे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले सोचना फिर भी पड़ेगा कि हो सकता है इससे भी कोई और ज़्यादा क्लोज, लेकिन यही बिल्कुल राइट आंसर है। मेयरिंग सेवरल इंटर नोडल डिस्टेंसेज ऑन ए स्टैंडिंग वेव टू फाइंड द मीन इंटर नोडल डिस्टेंस। ये तो यानी रैंडम एरर है, रैंडम एरर रिड्यूस करने का मेथड है। फिर मेयरिंग द डायमीटर ऑफ वायर रिपीटेडली एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज, ये भी रैंडम एरर है। टाइमिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टू फाइंड अ पीरियड, लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करें और पीरियड को फाइंड करने की कोशिश करें, ये भी हमारा सिस्टमेटिक एरर नहीं है, यानी यही भी हमारा रैंडम एरर है। तो ये हमारा हो जाता है ए पार्ट इसका, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है स्टूडेंट मेक्स ए मेयरमेंट्स फ्रॉम विच शी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इज 327.66 मीटर पर सेकेंड। शी एस्टिमेट्स दैट हर रिजल्ट इज एक्यूरेट प्लस माइनस 3%। एक्यूरेट प्लस माइनस 3% यानी एरर इसका पॉइंट प्लस माइनस 3% है। पूछा द फॉलोइंग गिव्स अ रिजल्ट एक्सप्रेस टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखें ये परसेंटेज एरर दे रहा है, तो अगर मैं परसेंटेज वेलोसिटी वैल्यू करना चाहूँ तो ये कहूँगा प्लस माइनस 3% ऑफ 327.66। तो ये तकरीबन आ जाता है प्लस माइनस 3% करें इसका तो ये आ जाता है 9.82 यानी मीटर्स पर सेकंड। तो अगर आप लिखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सेकंड को 327.66 प्लस माइनस 9.82, तो ये प्लस माइनस 10 हो जाएगा। तो ये देखें ये अब ये इसमें नोटिस एक जीरो है तो इसमें एक जीरो ज़रूरी है, ये जीरो होगा तो ये होगा 330 प्लस माइनस 10। तो जो एवरेज वैल्यू जो आ रही है वो 330 मीटर पर सेकंड आ रही है, तो 330 मीटर पर सेकंड ये आंसर हो गया। अच्छा पार्ट थ्री देखें, ये कह रहा है कि स्टील रूल कैन बी रीड टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। नियरेस्ट मिलीमीटर पर रीड किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेयर द लेंथ ऑफ अ बार हुज ट्रू लेंथ इज 895 मिलीमीटर। उसकी सही लेंथ 895 मिलीमीटर है। रिपीटेड मेयरमेंट्स गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये रीडिंग्स लेंथ मिलीमीटर 892 891 892 891 891 892। ऑल द रीडिंग्स एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टू विद इन 1 मिलीमीटर। वर्ब मिलीमीटर के अंदर एक्यूरेट और प्रिसाइज हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं एक्यूरेसी देखूंगा इसकी। देखिए ये 895 मिलीमीटर एक्यूरेट वैल्यू है, इनमें से 892 ये तो 3 मिलीमीटर का डिफरेंस है, ये इधर 4 मिलीमीटर का, इधर 3 मिलीमीटर का, इधर 4 मिलीमीटर का, इधर 4 मिलीमीटर का, इधर 3 मिलीमीटर का, तो 1 के तो करीब है ही नहीं। तो रिजल्ट्स आर एक्यूरेट टू विदिन 1, नो, ये तो नो होगा, यानी इसका या तो आंसर ए होना चाहिए या बी होगा, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है 1 मिलीमीटर में। अब प्रिसाइज देखें, 1 मिलीमीटर की प्रिसाइज में है या इनका डिफरेंस आपस में 1 मिलीमीटर है कि नहीं है। 892 891 वन का डिफरेंस है, 891 फिर 891 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस, ये 1 का डिफरेंस है, बिल्कुल प्रिसाइज है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यानी एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज इन 1 मिनट में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं चला जा रहा हूँ। ये हमेशा ये लिखा होता है और लिखा होता है ये समर 2003 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 था। अच्छा ये पार्ट देखें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये, व्हाट इज द रीडिंग शोन ऑन दिस मिली एमीटर। इस मिली एमीटर रीडिंग क्या है। देखिए ये सबसे पहले तो ये इधर हाफ है लेकिन हम लेते नहीं, या कैलिब्रेट लाइन या ये लेंगे या ये लेंगे। अच्छा देखें एक कैलिब्रेट लाइन में कितना है या इसका लीस्ट काउंट या प्रेसिशन कितनी है, ये 2 है और ये 1 2 3 4 5 है, तो 2 / 5 तो इसका लीस्ट काउंट आता है 0.4 मिली एम्पियर। तो अब ये अगर ये लेता हूँ तो ये कितना होगा, ये लेता हूँ तो ये कितना होगा, बीच में तो नहीं लिया जाता, ये 2.4 2.8, ये या तो 3.2 मिली एम्पियर से या फिर ये दूसरा ये 3. ये देखें कि यानी ये जो है ये बेसिकली है, देखें कि 2.4 2.8 3.2 मिली एम्पियर है, या फिर अगर मैं इधर बार लूँगा तो ये 2.4 2.8 3.2 और सॉरी ये कितना 3. देखें ये 0.4 का है तो 2.4 2.8 3.2 और ये है
या तो 3.2 या 3.6 मिली एम्पियर, 3.6 मिली एम्पियर, तो इसमें तो दोनों नहीं है, तो 3.6 मिली एम्पियर, देखिए 0.4 का अगर मैं लूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2.0.4 है, तो नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है ये, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है या 9 है, तो 8 या 9 में या तो 3.2 मिली एम्पेयर या 3.6 मिली एम्पेयर आएगा, तो इसका एवरेज ले लेता हूँ, इसलिए कि इसमें से ये वैल्यू है नहीं कहीं भी, या तो 3.2 मिली एम्पेयर हो या 3.6 मिली एम्पेयर हो, दोनों नहीं है, तो मैं इसको एवरेज लेके करूँगा तो आ जाएगा 3.4 मिली एम्पेयर, तो मैं इसको 3.4 मिली एम्पेयर ही आंसर दूंगा इसका। अच्छा, उसके बाद है फोर फिफ्थ, देखें इन अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट द करंट इन द रेजिस्टर इज मेड एज 2.50 प्लस माइनस 0.05 मिली एम्पेयर, द रेजिस्टर इज मार्क्ड एज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 4.7 ओम प्लस माइनस 2%। इफ दिस वैल्यूज वर यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर व्हाट वुड बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेंड। पावर में, पावर में करंट और रेजिस्टर दिया जाए तो पावर इज इक्वल होता है आई स्क्वायर आर के, तो परसेंटेज अगर एरर मालूम करें, परसेंटेज एरर इन पावर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन आर हो जाएगा, ये ट्वाइस, तो 2 इंटू आई में परसेंटेज एरर, आई ये है, ये आ जाएगा 0.05 अपॉन 2.50, दोनों मिली में है इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 100 और प्लस इसका तो 2% ही है। इसको आप कैलकुलेट करें, यानी 2 इंटू 0.05, 2 इंटू 0.05 अपॉन 2.30, तो 2 इंटू 0.05 अपॉन 2.30 इंटू 100 प्लस 2 करूँगा, तो ये आ जाता है तकरीबन, ये तो आता है 4%, 4 प्लस 2 तो ये आता है 6%, आंसर आएगा 6%। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि ये कहता है इन एक्सपेरिमेंट अ रेडियो कंट्रोल्ड कार टेक्स 2.50 प्लस माइनस 0.05 सेकंड्स टू ट्रैवल 40.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर, व्हाट्स द कार्स एवरेज स्पीड एंड अनसेट इन द कार। तो एवरेज स्पीड जो होती है वी होगा डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस है 40.0 प्लस माइनस 0.1 अपॉन ये होगा 2.50 और प्लस माइनस 0.05। तो सबसे पहले वेलोसिटी में मालूम करूँगा, एवरेज इसकी वैल्यू होगी 40 अपॉन 2.50, तो 40 डिवाइड बाई 2.50 में करता हूँ, तो 40 डिवाइड बाई 2.5 तो ये आ जाता है 16, तो 16 तो सब में है। अब मैं परसेंटेज इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सर्च करूँगा, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है, यानी मुझे डेल्टा वी चाहिए, डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा डी अपॉन डी और प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू वी के, ये जो रहेगा, तो डेल्टा टी इसका देखें ये होगा 0.1 अपॉन 4.0 और प्लस डेल्टा टी होगा 0.05 अपॉन 2.50 इंटू इसकी वी आई है 16, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है 0.36, तो वैल्यू होगा 16 प्लस माइनस 0.36, इसको वन सिग्निफिकेंट वगैरह रुका तो 0.4 और ये 0.4 और ये हो जाएगा 16.0 प्लस माइनस 0.4, तो इसका सी आंसर हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये कहता है द रेजिस्टेंस आर ऑफ एन अननोन रेजिस्टर इज फाउंड बाय मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट आई थ्रू इट एंड यूजिंग द इक्वेशन आर इज इक्वल वी अपॉन आई। द वोल्ट मीटर रीडिंग हैज 3% अनसर्टेनिटी, एमीटर रीडिंग हैज 2% अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी द कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज रेजिस्टेंस जो होगा, परसेंटेज रेजिस्टेंस की होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर इन वी कितना है, वी में वोल्ट मीटर में 3% है 3 और प्लस करंट में जो परसेंटेज दे रहा है वो है 2%, तो यह हो जाएगा 5%, तो 5% इधर ये सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में द फॉलोइंग मीटर रीडिंग्स आर ऑब्टेंड। ये 1200 मिली वोल्ट है
और ये रीडिंग हमें देखनी पड़ेगी। ये वोल्टेज तो हमारा 1200 मिली वोल्ट है, 1200 मिली वोल्ट का मकसद होगा 1.2 वोल्ट, कि 1000 डिवाइड करूंगा तो 1.2 वोल्ट। ये देखना करंट एमीटर एम्पियर्स में है और कितना है, ये एक में ये 10 है तो 0.2 यानी एक आएगा 0.02 का, तो ये है 0.4 और आगे कितना है 1, 2, 3, 4, तो ये आएगा 0.08, तो ये आ जाएगा 0.48 एम्पियर्स, 0.48 एम्पियर्स। या ऐसा कर सकते हैं ये 0.5 एम्पियर है उसमें से 0.02 माइनस कर दें 0.48 एम्पियर्स, तो आर आ जाएगा वी अपान आ यानी 1.2 अपान 0.48, तो ये करेंगे आर आ जाएगा 1.2 अपान 0.48 करें तो ये तकरीबन आता है मेरा ख्याल है 2. कल कैलकुलेशन करके देखता हूँ, ये आता है 2.5 ओम्स, यानी कि हमारा आ जाएगा ए, 2.5 ओम्स आता है तो ये ए आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारा 8 नंबर हो गया, 9 नंबर ये कह रहा है द रेसेस आर ऑफ रेसेस डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द पोटेंशियल वी अक्रॉस इट एंड द करंट आई इन इट, द वैल्यू ऑफ आर इज देन कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, द वैल्यूज मेयर आर वी 1.00 प्लस माइनस 0.05 वोल्ट एंड आई 0.50 प्लस माइनस 0.01 एम्पियर। व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेन द वैल्यू ऑफ आर, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ आर जो होगी वो होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वी मालूम करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 अपॉन 1 into 100 और प्लस यह आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.50 into 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा तकरीबन आ जाता है, ये आता है 5 और प्लस ये आता है 2, तो ये आ जाएगा 7% यानी सी आंसर। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं 4 स्टूडेंट्स ईच मेड अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी, द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑब्टेंड, व्हिच सेट ऑफ रिजल्ट्स कुड बी डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं और प्रिसाइज हैं। पहले तो देखिए एक्यूरेट 9.81, 9.79, 9.84, 9.83 ये एक्यूरेट लग रहा है, प्रिसाइज भी एक्यूरेट भी है, तो उसने कहा है कुछ रिजल्ट्स कुड बी डिस्क्राइब्ड एज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं हो तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्यूरेट भी है, ये एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है। ये 9.81, 10.12, 9.89, 8.94 ये प्रिसाइज तो है ही नहीं, प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट का फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने कहा है कि प्रिसाइज होना चाहिए। फिर 9.45, 9.21, 8.99, 8.76 अब ये देखिए ये भी प्रिसाइज नहीं है क्योंकि 9.45 कहाँ कहाँ 8.99 तो बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, ये भी नहीं है, तो बाकी यही आंसर बचेगा। ये देखें प्रिसाइज हैं 8.45, 8.46, 8.5 जो सारे वैल्यूज क्लोज क्लोज हैं और एक्यूरेट भी नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा डी।